अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम लोग कंसोलिडेशन करने से पहले हम कंसोलिडेशन करने से पहले एक होता है क्या, होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी हो गया, दूसरा क्या हो गया, सब्सिडरी कंपनी। तो अपने को क्या करना है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी में एक होल्डिंग कंपनी हो गया, दूसरा क्या हो गया, सब्सिडरी कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी जिस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होल्डिंग कंपनी अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होल्डिंग कंपनी अगर फीपो मेथड यूज़ करती हैं, अगर होल्डिंग कंपनी फीपो मेथड यूज़ करती हैं और सब्सिडरी कंपनी क्या, लीफो मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीफो को फीफो में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कंसोलिडेशन करने टाइम में अपने को होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर देंगे, कर देना है सेम कर देना है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर देना है सेम कर देना है। दूसरा एग्जाम, दूसरा देखिए, जैसे होल्डिंग कंपनी का डेटर कितना है, होल्डिंग कंपनी का डेटर है 1 लाख, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाती है, 10%, कितना परसेंट, 10% होल्डिंग कंपनी। और यहाँ सब्सिडी कंपनी प्रोविजन कितना बनाती है, 5%। तो इस 5% को हम लोग को कितना परसेंट में ले जाना है, 10% में, इस 5% को हम लोग को 10% में ले जाना है। तो ये समझ में आ गया ना, हम लोग को क्या करना है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होल्डिंग कंपनी का जो होगा उसको हम लोग, सब्सिडी कंपनी का होगा होल्डिंग कंपनी का होगा, तो जो होल्डिंग कंपनी का होगा उस तरह से सब्सिडी कंपनी वाले को हम लोग को लेके आना है, होल्डिंग कंपनी की तरह लेकर के आना है। तो दोनों का जिससे क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए अकाउंटिंग पॉलिसी, वो अपने लोग को करना है। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी बी लिमिटेड। समराइज्ड किसका दे रखा हुआ है, बी लिमिटेड का दे रखा हुआ है, 2015 का, 16 का, 15 का, 16 का। एसेट में क्या दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट, कॉस्ट दे रखा हुआ है, माइनस क्या, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो नेट में दे रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस दे रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर ये लाइबिलिटी में अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन्स, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, उस तरह से बाद शेयर कैपिटल, ये सब सारा दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। आगे पढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, ऑल्सो कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट नंबर पे बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, तो इसका होल्डिंग कंपनी कौन क्या हो गया, बी लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड हो गया। बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज अ अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या चीज़ फॉलो करें, क्या करना है फॉलो अकाउंटिंग ईयर में, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, आगे पढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में क्या दे रखा हुआ है, ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन फीफो बेसिस, जो होल्डिंग कंपनी है वो फीफो बेसिस में करते हैं फॉलो, वाइल बी लिमिटेड यूज फीफो। देखिए, ए लिमिटेड लीफो बेसिस में कर रहा है, बी लिमिटेड किस बेसिस में, फीफो बेसिस में, टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद द दोज ऑफ ए लिमिटेड, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस बाय 12,000। ओके, तो ए लिमिटेड के तरह लाने के लिए, ए लिमिटेड क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड क्या हो गया, सब्सिडी कंपनी, तो सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी की तरह लाने के लिए 12,000 रिड्यूस करना होगा 2015 में, 34,000 रिड्यूस करना होगा 2016 में। चलिए हम लोग इसको फिर से एक बार समझेंगे। चलिए थर्ड मतलब सी में क्या है, बी लिमिटेड डिडक्ट 1% फ्रॉम ट्रेड डिसेबल एज अ जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। तो बी लिमिटेड का पॉलिसी क्या है कि 1% ट्रेड डिसेबल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है, बी लिमिटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है। आगे, प्रीपेड एक्सपेंस इन बी लिमिटेड इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 60,015 रुपीज़ 30,016। तो यहाँ पे हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 72,000, 48,000,
उसमें 60,000 और 30,000 क्या है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 इन 2015। तो जो एडवर्टाइजमेंट हम बी लिमिटेड 90,000 का 2015 में किया था, उसी को कैरिड फॉरवर्ड कर दिया 2015 में 60,000 और 30,000 2016 में, इसी को कैरी फॉरवर्ड कर चुका है। आगे हम लोग करते हैं। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज़ फुल्ली रिटेन ऑफ इन 2015। तो अगर यही यही टाइप का अगर एडवर्टाइजमेंट ए लिमिटेड कराती है, तो ये पूरा 2015 में जिस टाइम में एडवर्टाइजमेंट हुआ उसी टाइम में ये पूरा ए लिमिटेड रिटर्न ऑफ करती हैं। तो यहाँ भी तो हम लोग को रिटर्न ऑफ करना चाहिए ना, तो इसको भी हम लोग करेंगे। आगे क्या बोला हुआ है, री स्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आफ्टर कंसिडरिंग द एबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। सच री स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू मेक एन अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्टेड बाई ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड यूनिफॉर्म। तो हम लोग को ए लिमिटेड बी लिमिटेड का क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म करना है उस तरह से। चलिए एक बार हम लोग सम्स को समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, 9 था। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, 9 था। सम्स में क्या दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट दे रखा हुआ था हम लोग को। हम लोग का क्या दे रखा हुआ है, बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट किसका दे रखा हुआ है, बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडी कंपनी। तो सब्सिडी कंपनी का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, 2015 का दे रखा है और 2016 का दे रखा हुआ है। यही तो बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे क्या था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट में क्या था कि ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ए लिमिटेड क्या है, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, यही था। आगे एडजस्टमेंट नंबर बी में क्या था कि ए लिमिटेड लीफो मेथड फॉलो करती हैं। ये देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड हो गया, यहाँ पे बी लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सा मेथड फॉलो करती हैं, लीफो मेथड। ए लिमिटेड लीफो मेथड फॉलो करती है, वाइल बी लिमिटेड कौन सा, फीफो मेथड। बी लिमिटेड फीफो मेथड। तो इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे, अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग होल्डिंग कंपनी का जो होता है, होल्डिंग कंपनी जो जिस तरह से फॉलो करती है, तो सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी की तरफ ले जाते हैं। तो बी लिमिटेड यहाँ पे फीफो मेथड फॉलो कर रही है, सब्सिडी कंपनी। तो ये फीफो को हम लोग को किस में ले जाना है, ए लिमिटेड के जैसा लीफो मेथड में, ए लिमिटेड के जैसा लीफो मेथड में तो ले जाएंगे। तो इसके लिए बोला गया कि 2015 में 12,000 रिड्यूस करना है। 2015 में कितना, 12,000 रिड्यूस करना है, और 2016 में कितना रिड्यूस करना है, 34,000। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, एक बार ध्यान दीजिए इधर। बी लिमिटेड कौन सा मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सामान पहले परचेज की वही सामान पहले बेच दे रही है। बी लिमिटेड क्या कर रहे हैं, जो सामान पहले परचेज की वो सामान पहले बेच दे रही है। अब यहाँ पे बी लिमिटेड सब्सिडी कंपनी, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी की तरह ले जाना है, उसके लिए हम लोग को डिडक्ट करना था 2015 में 12,000, 16 में 34,000 इक्वल करने के लिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब बी लिमिटेड फीफो मेथड फॉलो करती हैं, तो जो सामान पहले आया होगा वो तो बेच दी होगी। तो इस तरह से 2015 का जो 2015 का गुड्स होगा वो क्या हो चुका होगा, सोल्ड हो चुका होगा ना। 2015 का क्या गुड्स सोल्ड हो चुका होगा, इसलिए हम लोग ये डिडक्ट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ क्या डिडक्ट करने वाले हैं, 34,000। ये समझ में आ गया, तो हम लोग सिर्फ 34,000 डिडक्ट करेंगे। क्यों डिडक्ट करेंगे सिर्फ 34,000, क्योंकि यहाँ पे 2015 का जो गुड्स होगा 12,000 डिडक्ट करने वाला, वो पहले सोल्ड हो चुका होगा, इसलिए हम लोग ये डिडक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्या था, सी, सी में था कि सब्सिडरी कंपनी 1% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती हैं 1%। अब होल्डिंग कंपनी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। सब्सिडरी कंपनी रिसीवेबल पे कितना, सब्सिडरी कंपनी रिसीवेबल पे 1% का डाउटफुल डेट बनाती हैं। सब्सिडी कंपनी रिसीवेबल पे कितना परसेंट, 1% का डाउटफुल डेट बनाती है। होल्डिंग कंपनी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि होल्डिंग कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाती, होल्डिंग कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाती हैं। ये समझ में आ गया, देखिए सुनिए एक बार फिर से।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिसीवेबल पे सब्सिडी कंपनी बनाती है 1%, लेकिन होल्डिंग कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि होल्डिंग कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं बनाती है। अब यहाँ पे रिसीवेबल कितना है, 8,91,000, 8,91,000। अब ध्यान दीजिए, ये प्रोविजन बनाने के बाद 100 होगा, प्रोविजन 1% बना लिया होगा तो कितना बच गया होगा, 99 का। तो ये जो वैल्यू होगा उस किसका वैल्यू दे रखा होगा, 99 का। रिसीवेबल 2016 का बी लिमिटेड का कितना है, 8,91,000, 8,91,000 था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 100% था बिना प्रोविजन के पहले, अगर 100% रिसीवेबल होता है तो 1% अगर हम लोग डिडक्ट कर देते हैं तो कितना परसेंट बचा होगा, 99%। तो ये जो वैल्यू दे रखा होगा 99% का दे रखा होगा, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, प्रोविजन के पहले। तो 100 बाय क्या कर देंगे, 99 into 8,91,000, 8,91,000। तो इस तरह से हम लोग को कितना आ जाएगा, इस तरह से हम लोग को आ जाएगा 100 into 8,91,000 डिवाइड बाई 99। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 9 लाख। कितना आ गया, 9 लाख। तो रिसीवेबल कितना दिखाना होगा, 9 लाख। तो और कितना ऐड करना होगा रिसीवेबल, 9,000। और कितना ऐड करना होगा, 9,000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई कंपनी बनाती है तो उससे उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, उससे उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग इसलिए होल्डिंग कंपनी का मतलब इसलिए हम लोग प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले प्रोविजन बनाया होगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो गया होगा, तो इसलिए अभी हम लोग ऐड करके इक्वल कर देंगे। तो ये था नंबर टू था। अब डी नंबर में क्या था, एडजस्टमेंट डी नंबर में क्या था कि डी नंबर में एक होल्डिंग कंपनी हो गया, एक दूसरा क्या है, सब्सिडी कंपनी है। सब्सिडी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है सब्सिडी कंपनी का, वो 2015 में हुआ था 90,000 का, यही था ना, 2016 तो 90,000 का हुआ था। तो 2015 में 30,000 का रिटेन ऑफ कर दिया तो कितना बचा है, 60,000 इसमें है 15 में, आउटस्टैंडिंग वाला मतलब प्रीपेड में, प्रीपेड में 60,000 है, और 2016 में कितना प्रीपेड में था, 30,000। यही इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था। लेकिन होल्डिंग कंपनी का अगर यही एक्सपेंडिचर होगा 90,000 अगर होता, तो ये 2015 में होता, तो 2015 में ही ये टोटल क्या कर चुका होता, 90,000 का रिटर्न ऑफ कर चुका होता। तो ये रिटर्न ऑफ कर चुका होता तो यहाँ पे तो इसका बैलेंस नहीं बचता, तो ये 30,000 2016 में है उसको भी क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ करना होगा ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को एडजस्टमेंट समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं, अब कैसा बनाना है वैसे हम लोग बनाते हैं, एग्जाम में कैसे बनाना है उस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व ऑफ वी लिमिटेड, एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। अब बताइए रेवेन्यू रिजर्व कितना है, सम्स में देख करके बताइए रेवेन्यू रिजर्व कितना है। हम लोग को 16 का देखना है, क्योंकि हम लोग को बनाना कब का था, बैलेंस शीट कब का बनाना है, 2016 का। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना का, 2016 का देखेंगे। ठीक है, तो कितना था बताइए, रेवेन्यू रिजर्व कितना था, 7 लाख। रेवेन्यू रिजर्व हो गया 7,14,000। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले अगर प्रोविजन बना के रखी हुई थी बी लिमिटेड, इसका मतलब क्या था, प्रॉफिट उसका कम था, बी लिमिटेड का प्रॉफिट क्या कम कर चुकी थी। तो इसके वजह से अगर हम लोग को नहीं करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाना, तो प्रॉफिट क्या करना होगा, यूनिफॉर्म करने के लिए बढ़ाना होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, तो 1% डिवाइड बाई 99%, जिसका वैल्यू कितना था 99% का, 1 divided by 99 into 8,91,000। तो ये आ गया 1 divided by 99 into 1 divided by 99, तो ये आ गया 9,000। तो हम लोग को कितना प्लस करना है, 9,000। आगे नेक्स्ट में क्या था, हम लोग का 12,015 में करना था, 34,016 में करना था, लेकिन हम लोग 15 में नहीं कर रहे हैं। 15 में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो हम लोग समझेंगे कि 15 का बिक चुका है, तो हम लोग 16 का सिर्फ करेंगे।
लेस कर दिया, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना से करेंगे, दे रखा हुआ था 34,000 से माइनस कर दिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2016 में इंक्लूडेड है कितना, 30,000, तो वो भी हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ कितना का दे रखा हुआ, रिटर्न ऑफ में करना है हम लोग को 30,000। इस तरह से हम लोग का क्यों कितना हो गया, प्लस 9,000, 714,000 प्लस 9,000 माइनस 34,000 माइनस 30,000, तो हम लोग का कितना आ गया 659,000। कितना आ गया 659,000, हम लोग का क्या आ गया, रिजर्व आ गया, एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। रीस्टेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2016। यहाँ रुपीस, यहाँ नोट नंबर, यहाँ पर्टिकुलर। फर्स्ट में क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, यही होता है ना। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कुछ है क्या, प्रोविजन है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस है ना, तो एक प्रोविजन आ गया और दूसरा क्या आ गया, ट्रेड पेबल और बैंक ओडी है, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फर्स्ट हो गया शेयर कैपिटल, सेकंड में क्या था, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं है तो वहाँ पे लिंक नील हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में फर्स्ट क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या था, बैंक ओडी जो था वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल था और थर्ड में क्या था, ट्रेड पेबल के बाद क्या था, प्रोविजन, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हो जाएगा टोटल। अब एसेट्स में देखिए, नॉन करेंट एसेट, एसेट में क्या क्या था, फिक्स एसेट है और करेंट एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट ये रहा, तो नॉन करेंट एसेट हो गया फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट का क्या नाम चेंज हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें टेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट तो नहीं दे रखा हुआ है, ये हो गया, इसी में इन्वेस्टमेंट भी था तो ये क्या आ गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड नंबर में क्या करना है, करेंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी करेंट एसेट, करेंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, एक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल,
प्रीपेड एक्सपेंस और कैश एट बैंक। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग अदर करेंट एसेट बोल देंगे। तो फर्स्ट में हो गया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, अदर करेंट एसेट। ये क्या हो जाएगा टोटल। तो ये हम लोग पहले फॉर्मेट बना लिए। अब नोट्स में हम लोग को क्या 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 चाहिए, नोट्स टू अकाउंट में हम लोग को चाहिए कैश वन नंबर में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या निकाले थे एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व, एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व हम लोग कितना निकाले थे, एडजस्टेड रेवेन्यू रिजर्व हम लोग निकाले थे 6,59,000। तो ये कितना आ जाएगा 6,59,000, ये आ गया। नेक्स्ट में बाकी सब तो एक ही एक था, तो उसके लिए हम लोग नोट नहीं बना रहे। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में दो था, शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या था, सॉरी एक ही था, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था 1,70,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद ट्रेड पेबल तो एक ही है तो उसका नहीं बनाएंगे हम लोग। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या था, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दे रखा हुआ था 4,30,000। यह आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद क्या था एसेट्स में, एसेट में टैंजिबल एसेट में था टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट में क्या था फिक्स एसेट का कॉस्ट दे रखा हुआ था 3,20,000। तो कॉस्ट कितना दे रखा है 3,20,000। लेस क्या क्या हुआ था, लेस में है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का दे रखा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48,000 का। तो 48,000 माइनस कर देंगे तो कितना होता है 3,20,000 माइनस 48,000 सॉरी सॉरी 96,000 रखा हुआ था, 3,20,000 माइनस 96,000 तो ये आ गया 2,24,000। आगे दे रखा हुआ है टेंजिबल एसेट के बाद नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में तो एक ही था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट तो इसको छोड़ देते हैं। इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल के बाद ट्रेड रिसीवेबल तो एक ही दे रखा हुआ था, सेम ही दे रखा था कैश एंड कैश इक्यू बैलेंस, तो इसमें कैश एट बैंक ही है। अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट में क्या था प्रीपेड एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग निकाले थे, कैसे निकाले थे, हम लोग का दे रखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस 48,000 का, तो 48,000 माइनस क्या करेंगे जो रिटर्न ऑफ किया है, 30,000 तो रिटर्न ऑफ किया है ना, तो 48,000 माइनस 30,000 तो ये कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया 18,000। एक ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितने का दे रखा हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ 8,91,000, 8,91,000 प्लस हम लोग ऐड किए थे 9,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए, तो ये ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा 9,00,000 का, कितना आ जाएगा 9,00,000 का। तो इस तरह से नोट्स ख़त्म होता है, नोट्स टू अकाउंट। अब हम लोग ये पुट कर देते हैं इसमें, तो सबसे फर्स्ट नोट में क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस कितना निकाले थे 6,59,000, तो यहाँ आ जाएगा 6,59,000। कैपिटल तो दे रखा हुआ था, कैपिटल शेयर कैपिटल कितना था 5,00,000। आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का निकाले थे ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग था 1,70,000 का, तो यहाँ हम लोग 1,70,000 लिखते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने का दे रखा हुआ था, ट्रेड पेबल 4,94,000, तो यहाँ आ जाएगा 4,94,000। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितने का दे रखा हुआ था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,30,000, तो ये आ जाएगा 4,30,000। आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांजिबल एसेट, ट्रांजिबल एसेट कितने का निकाले थे हम लोग 2,24,000, तो ये आ जाएगा 2,24,000। ट्रांजिबल एसेट का नोट नंबर कितना था 4 था। शॉर्ट टर्म बोरिंग का नोट नंबर था 2 और 3 था प्रोविजन 4 हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कितने का इन्वेस्टमेंट था 4,00,000 का, तो ये आ गया 4,00,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का था, इन्वेंट्री था 7,42,000। चलिए एक इन्वेंट्री का भी बना लेते हैं, इन्वेंट्री 7,42,000, 7,42,000 माइनस कितना किए थे हम लोग, माइनस किए थे 34,000, तो 7,42,000 माइनस 34,000, 7,42,000 माइनस 34,000, तो ये कितना आ गया 7,08,000। तो ये हो गया 7,08,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना निकाले थे हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल निकाले थे 9,00,000, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने का हो गया 9,00,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना दे रखा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 3,000, तो ये हो गया 3,000। आगे अदर करेंट एसेट कितना दे रखा हुआ था, अदर करेंट एसेट में हम लोग निकाले थे अदर करेंट एसेट 18,000 का ना, अदर करेंट एसेट कितना का निकाले थे 18,000 का। इस तरह से हम लोग का ये सम्स कंप्लीट होता है, बस एक बार मैच कर लेते हैं, 5,00,000 प्लस 6,59,000 प्लस 1,70,000 प्लस 4,94,000 प्लस 4,30,000, तो ये कितना आ गया 22,53,000। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया, एसेट साइड का भी टोटल, माइनस 2,24,000 माइनस 4,00,000 माइनस 7,08,000 माइनस 9,00,000 माइनस 3,03,000 माइनस 18,000, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये इक्वल है 22,53,000। तो इस तरह से हम लोग को कितना मिनट, 30 मिनट लग गया पूरा सम्स करने में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9,
कंप्लीट होता। अब हम लोग चलेंगे बैक क्वेश्चन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उससे उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू। और हाँ, लाइक करके जाइए।